आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। एक बार खाना था खान साहिब के यहाँ। हम पहुंचे और खान साहिब से बातचीत के बाद खान सामा ने दस्तरखान पर खाना लगा दिया है। हम लोग दस्तरखान पर बैठे, खाने की लाजवाब खुशबू से दिल दिमाग सब खिल उठा, मगर खान साहब थे कि बातें ही किए जा रहे थे और उधर हमारे पेट का ये हाल कि बस जल्दी से बिस्मिल्लाह किया जाए है। खान साहब को खाने की याद आई और खाना शुरू किया गया। वाह क्या खुशबू थी, खरगोश बनाया था खान सामा ने, चखते ही जुबान रो पड़ी जनाब। हुआ ये कि कमबख्त खान सामा ने खाने में लाल मिर्च इतनी ज्यादा डाली थी कि सारा खाना खराब करके रख दिया था। खान साहिब ने जब हमारी आंखों और जबान से पानी आते देखा तो बुलाया खान सामा को और बरस पड़े उस पर। कमबख्त खफ्ती, क्या खार थी मेहमानों से, मस्खरा कहीं का, देख किस कदर सुर्ख पड़ गई आंखें इनकी। कमबख्त, थोड़ा हाथ खींचकर मिर्ची डाली होती, हराम खोर कहीं के, कहते हैं लखनऊ खानदान से हैं, जनाब नवाब खुर्शीद खा के यहाँ खास खिदमत कर रहे हैं। क्या हक खिदमत कर रहे हैं, शर्म नहीं आती अब भी खड़े हैं सामने सारे खाने का खात्मा करके। बड़े फक्र से कह रहे थे, हुजूर अगर आपके दोस्तों को खाना पसंद आ जाए तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिएगा, अब मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करूंगा। ये सुनकर खान सामा की चीख निकल पड़ी, बोला जनाब आखिर आपका पुराना वफादार हूँ, खुदा के लिए इस खादिम को एक बार खिदमत का मौका और दे, रहम करें। आखिरकार खान साहब को मानना पड़ा और करते भी क्या, खान सामा खुदकुशी कर लेने पर आमादा हो गया था। खैर उसने दोबारा खाना बनाया और इस बार कम वक्त ने नमक तेज कर दिया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खान सामा का खून कर दिया होगा खान साहेब ने।